किसान भाइयों नमस्कार। आज हम यहाँ फल विज्ञान विभाग के हाई डेंसिटी प्लांटेशन में उपस्थित हैं। ये ऑर्चर्ड वर्ल्ड बैंक पोषित परियोजना के अंतर्गत एस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें हम लोगों को तीन तरह के कार्य दिए गए थे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज करने के लिए एप्पल की हाई डेंसिटी पे, कि एक तो वैरायटी रूट स्टॉक का कॉम्बिनेशन क्या हो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के लिए, ट्रेनिंग सिस्टम प्रूनिंग कैनोपी मैनेजमेंट का किस तरह से किया जाए, और एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमम स्पेसिंग क्या हो डिफरेंट साइंस स्टॉक कॉम्बिनेशन के लिए, ताकि अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सके। आज जो हमारा बातचीत का विषय है वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने तीन ट्रेनिंग सिस्टम्स कंपेयर किए हैं, जिसमें वर्टिकल एक्सिस, स्लेंडर स्पिंडल और टॉल स्पिंडल सिस्टम्स हैं। इन तीनों में पिछले चार वर्षों से जो हमने कार्य किया है उसके आधार पर हमने ये पाया है कि टॉल स्पिंडल सिस्टम सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी पाया गया है। तो उसी सिस्टम में पौधे को कैसे तैयार करना है, किस तरह से डेवलप किया जाए, उस पर हम आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है कि पौधे की शेप किस तरह की हो, ब्रांचेस कैसे निकले, उनकी दिशा क्या हो, उनको किस तरह से सिधाई की जाए, उस पे लेकर के। तो जब भी हमारे पास नर्सिंग और ये जो ट्रेनिंग का काम है, ये पौधा जैसे ही लगाया जाता तभी से शुरू हो जाता है। तो पौधा हमारे पास जब आता है किसी भी ऑर्चर्ड में लगाने के लिए, तो दो तरह के पौधे आते हैं और दोनों पौधों को अलग अलग ढंग से हम ट्रीट करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो एक पौधा आता है व्हिप प्लांट, जिसमें ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है, और दूसरा पौधा जो आता है, जो अभी जैसे इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा है पीक्यू साइट से किसान भाइयों को मिलते हैं, वो फेदर्ड प्लांट्स हैं जिसमें शाखाएं पहले से ही होती है। पहले बात करेंगे, अगर आपको व्हिप प्लांट मिला है तो उसको अगर आपने हाई डेंसिटी में लगाया है तो उसको कैसे आप ट्रेन करेंगे, और जो फेदर प्लांट है उसको किस रंग से उसे अलग रखेंगे। तो पहले जैसे हमारे पास अगर भी प्लांट आया है, अगर हम इस प्लांट को यहाँ देखें जब हमने लगाया था, तो इसको यहाँ पर हम ज़मीन से लगभग 2.5 फीट ऊपर काट देते हैं। जब इसको यहाँ पे हम काटेंगे 2.5 फीट पे, उसके बाद ये आँखें हैं, इनमें से ब्रांचेस निकलना शुरू होती है और ऊपर से नीचे की तरफ की ब्रांचेस निकलना शुरू होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली ब्रांच को रख देते हैं, आँख को रख देते हैं स्प्राउट होने के लिए, उससे निचली दो आँखें हैं उनको तुरंत मसल देते हैं जैसे ही स्प्राउट होती है। और नीचे हमें अगर कहीं डाउट है कि यहाँ ब्रांचेस नहीं निकल सकती है, तो उसमें हम डिजायर्ड प्लेस पे नोचिंग से ब्रांच डेवलप कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये ब्रांचेज आपकी निकल जाती है यहाँ से, जैसे ये निकली है, बाद में हमने डेवलप इसी तरह से की है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उन ब्रांचेज को हम क्या करते हैं कि निकली, जब ये लगभग 10 सेंटीमीटर की आपकी हो जाए, लगभग इतनी आपके पास हो 10 से 15 सेंटीमीटर की, तो इसका एंगल इस तरह का एंगल हो, ब्रॉड एंगल 90 डिग्री का स्ट्रेट, उसके लिए हम क्लॉथ पिंस का, जो कपड़े सुखाने वाली चिमटियां हैं, उनको उस शाखा पे यहाँ इस तरह से फंसा करके, ताकि इस पर प्रेशर रहे और ये स्ट्रेट आगे को बढ़े। और ये करने के बाद जब शाखाएँ हमारी लगभग 1 फुट लंबी हो जाती है जून तक, फिर उन ब्रांचेस को हम नीचे झुकाने के लिए वायर सिस्टम अगर लगा हुआ है तो वैसे, अदरवाइज आप स्टेम के साथ बांध सकते हो, ऐसे धागे के साथ इनको हम बांध देते हैं, ताकि ये ज़मीन के समानांतर से नीचे तक झुक जाए। जैसे ये शाखा है आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 का स्ट्रेट एंगल, और उसके बाद ज़मीन से समानांतर से नीचे तक इसको झुका दिया गया है। इस तरह से हम 4 से 5 ब्रांचेस अलग डायरेक्शन में पहले साल में ही छांट लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि जब नई निकलने वाली शाखाएं हमारी 8-10 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो उनका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसके लिए हम कपड़े वाली चिमटियों का, जैसे ये चिमटी है, ऐसे करके मेन तने के साथ फंसा करके यहाँ प्रेशर इस पर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये टहनी बिल्कुल सीधी आगे को जाती है।
और यही टहनी जब इस पिन से ये अगर एक बार जब ड्रॉप हो जाता है तो जून के महीने तक ये लगभग एक फीट की हो जाती है, 25-30 सेंटीमीटर की जब हो जाती है तो हम ऐसे जैसे इसमें ये धागा बांधा हुआ है इस तरह से आगे धागा बांध करके ऐसे मेन स्टेम के साथ बांध करके इसको झुका देते हैं समांतर से नीचे तक। यही ट्रीटमेंट हम 4-5 जो शाखाएं छांटी होती है अलग अलग डायरेक्शन में और 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों दिशाओं में इस तरह से इनको छांटने के बाद बांध देते हैं। पहले साल में हमने यही करना होता है। दूसरे साल क्या करना है, अब इसके बाद जो लीडर है दूसरे साल हमने उस लीडर को काटना नहीं है, सिर्फ एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग हमने उसको काटा था लेकिन अब काटना नहीं है और इन ब्रांचेस को भी हम हेड बैक नहीं करते हैं। दूसरे साल इनको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, बांधने की वजह से इस पर स्पर डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और ये सारी फ्रूटिंग ब्रांचेस बन जाती है, ग्रोथ इनकी चेक हो जाती है। और उसके साथ साथ मेन तने भी आप देख सकते हो ये भी स्पर फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरे साल इसके बाद लीडर पे फिर हमें नोचिंग आप हेक्सा ब्लेड से कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मान लीजिए ये आँख है और हम चाहते हैं कि ये आँख फूटे, यहाँ पर डिजायर्ड है हमें यहाँ ब्रांच चाहिए, तो आप इस तरह से आँख के ऊपर एक ऐसे निशान लगा सकते हो और इस तरह से थोड़ा सा स्किन को निकाल करके इस देख सकते हैं ये आपका ये नोचिंग है। इस तरह से नोचिंग करके हम ये पक्के तौर पर तय कर देते हैं कि ये आँख फूटेगी और यहाँ से शाखा निकलेगी। तो हर साल लीडर को ना काटते हुए एक दो ब्रांच इस तरह से लेते हैं और जैसे सिस्टम है 10 फीट तक हम इसकी हाइट रखते हैं, 10 फीट तक इसको जाने देते हैं। बात बाद में आती है, हर साल इस तरह से रेगुलर ब्रांचेज छांटते रहते हैं पूरी हाइट तक और 10 फीट पे जब पहुंच जाता है तो हमको क्या करना है कि लीडर की फर्दर हाइट ना हो, उसके 2-3 तरह से हम इसकी हाइट को चेक करते हैं। या तो किसी वीक ब्रांच पे, जैसे अभी आप देख सकते हैं लीडर हमारा स्ट्रांगली ऊपर गया है, तो या तो किसी वीक ब्रांच पे, अदरवाइज इसको लीडर को वायर के साथ बेंड करके बांध देते हैं और बेंड करने के बाद जो अपराइट शूट आती है उसको काट देते हैं, तो फिर फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जहाँ तक ट्रेनिंग का है, जब हम ब्रांचेस सीधी लेकर के हॉरिजेंटल से बिलो तक झुकाते हैं यही हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम है। इससे क्या है लेटर्स की हम ग्रोथ चेक करते हैं और परफॉर्मेशन ज़्यादा हो, अच्छी फ्रूटिंग हो पाए, लाइट पौधे के अंदरूनी भाग तक आती है, मैनेज करना इजी रहता है, हमारी रीच में रहता है सारा पौधा और आप देख सकते हैं परफॉर्मेशन इसमें मेन स्टेम में भी परफॉर्मेशन रहती है और ब्रांचेस में भी। ये आप देख सकते हैं इस ब्रांच पे इतने सारे स्पर्स हैं और अगले साल इस पर भी सारे स्पर्स डेवलप हो जाएंगे, ये सारा फ्रूटिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। अब जो दूसरी मैंने बात की थी बाकी सिस्टम यही रहता है, अगर फेदर प्लांट है ऑलरेडी और उसमें इस तरह के हमारे पास ब्रांचेज हैं 3-4 तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 ब्रांचेज छांटते हैं, बाकी सब की सब ब्रांचेज को वहाँ से निकाल देते हैं। जिन ब्रांचेज को हम छांटते हैं वो वीक ब्रांचेज होनी चाहिए, कमज़ोर ब्रांचेज को छांटते हैं और जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज है ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है उनको हम निकाल देते हैं। निकालने के लिए यहाँ क्या करते हैं कि बिवेल कट या डच कट से उसको आप एक स्टब छोड़ देते हो। डच कट का मतलब आप कैंची वर्टिकली ऐसे ना चला करके ऐसे चलाते हैं, ऐसे करके पकड़ के फिर आप कट मारते हैं। उससे क्या है यहाँ पर जो छोटा सा स्टब बचता है उसके नीचे से यहाँ से शाखा निकलती है स्ट्रेट, अगर वो डिजायर्ड लेवल पे है स्ट्रांग है तो आपको उसको इस ढंग से निकालना ताकि वहाँ से ब्रांच निकले और वीक ब्रांच निकले, तब आपको क्लॉथ पिंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसी स्ट्रेट आगे बढ़ती है। और उसमें फिर फेदर प्लांट में लीडर को हम नहीं काटते हैं लेकिन जहाँ तक हमने 2 या 3 ब्रांचेज ऐसे छांटी होती है उस पर लीडर पे उस ब्रांच से ऊपर शाखाएं बिना काटे हुए टॉप को निकलने के चांसेस कम होते हैं। वहाँ पर फिर वही मेथड जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है नोचिंग वाला, नोचिंग से हम ब्रांचेस डेवलप करते हैं और उन ब्रांचेस को वैसे ही ट्रेन करते हैं जैसे मैंने पहले कहा है, जब 8-10 सेंटीमीटर की हो जाए तो क्लॉथ पिन का यूज़ की दिया और उसके बाद जब वो लगभग 1 फीट की हो जाए तो उसको जून जुलाई में बांध दिया तने के साथ और एक बार जब टहनी ट्रेंड हो जाती है तो फिर उसके बाद इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, नई शाखाएं इस तरह से कंटिन्यूसली जब तक कि वो हाइट तक नहीं पहुंच पाती है। तो यही ट्रेनिंग का है। अब इसमें एक चीज़ है कि जब भी हम इन ब्रांचेज को वैसे कंपैरेटिवली इस पौधे पर आप देखेंगे तो इन ब्रांचेज में से कम अपराइट निकली है लेकिन यहाँ ये आपको दिख रही है, इस तरह की ग्रोथ आपको आमतौर पर देखने को मिलती है। इनको हम शुरू में भी ट्रेन करते हैं 2 तरह की समर प्रूनिंग में भी, जून जुलाई में भी करते हैं, या इस ट्रेनिंग के हिस्से को
साल के एंड में जो अब चल रहा है जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी में प्रूनिंग के टाइम में इनको टेंट करते हैं। इस तरह की ब्रांचेज हमको नहीं रखनी, जो स्ट्रांग ब्रांचेज होती है उनको हम बिल्कुल यहीं से ही निकाल देते हैं, पूरी पूरी ब्रांच ऐसे। लेकिन जो इस तरह की ब्रांचेज है इनको बिना काटे वीक ब्रांचेज को हम छोड़ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्पर्व डॉल्प हो रहा है, यहाँ भी स्पर्व डॉल्प हो जाएगा और इसकी फर्दर ग्रोथ चेक हो जाएगी ये स्पर्व पे। या शुरू में क्या करते हैं, जब ये ब्रांचेज इसमें से अपराइट ब्रांचेज आने लगती है, जैसे इतनी इतनी है, तो इनकी पिचिंग कर देते हैं, इसका टॉप निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि ये आँखें फूट करके ये छोटी छोटी ब्रांचेज आएंगी और उस पर ही आपका स्पर्व डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और वो सारा फ्रूटिंग एरिया बन जाता है। तो हमारा मेन मकसद रहता है कि मैक्सिमम फ्रूटिंग एरिया डेवलप किया जाए और ये अपराइट ब्रांचेज हम इसमें नहीं रखते हैं, प्रूनिंग के टाइम इनको हम निकाल देते हैं इस तरह से। और जो इस तरह की ब्रांचेज है नीचे, ये सब आगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलेगा कि फोक तो रहती है, दो दो तीन तीन हो जाती है, तो यहाँ हमको सिंगल ये करनी होती है, आपको सिर्फ ऐसे एक रखनी है और अपराइट जितनी है वीक है तो आप रख सकते हो। एक और मेथड रहता है, कई बार अगर ब्रांच है लेकिन आपको लग रहा है इक्वलेंट स्पेसिस पे, जैसे अभी इसमें थी, तो रेदर देन कि सबको हम हटाएं, उसको हम रिंग पे भी काट सकते हैं। रिंग पे काटना आप समझ सकते हैं, ये रिंग बना हुआ है, ये ब्रांच यहाँ थी, या तो हम यहाँ पे काटेंगे तो उसमें भी क्या है फर्दर ग्रोथ आपकी चेक हो जाएगी, या यहाँ जो आपको ये है इसी पोर्शन पे काट दे, छोटा सा स्टब छोड़ते तो इसमें से जो भी फर्दर डेवलप होगा वो आपका स्पर ही डेवलप होगा, वहाँ से शाखा नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पे अगर ऐसे थी तो काटने के दो तरीके हैं कि हमको कहाँ रखना है, या तो इसको बिल्कुल यहाँ पे काट दें तो उसमें से शाखा नहीं निकलेगी, यहाँ पे काटेंगे तो शाखा बड़ी स्ट्रांगली ऊपर निकलती है, या तो फिर रिंग पे, यहाँ रिंग बना हुआ है, इस रिंग पे काट करके भी हम रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रूनिंग के टाइम में कि आपकी शाखाएं कितनी नज़दीक है, हमको कम से कम 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह की शाखाएं हम, और स्पेशली जो ना वो ब्रांच के एक दूसरी साइड को, अपराइट को तो मोस्टली हमें निकाल देना होता है, लेकिन अगर इक्वली स्पेस है तो इस तरह की हम रिटेन रख भी सकते। अब बात करेंगे कि जब हमने ये ट्रेनिंग सिस्टम टॉल स्पिंडल जैसे कंप्लीट कर दिया है, पूरी इसकी ब्रांचेस बन गई है, तो हमारे स्पर जो इन पे बने हुए हैं, इन स्पर की लाइफ रहती है 5 से 7 साल, तब तक ये अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। तो या तो स्पर की रिन्यूअल करनी पड़ती है, दूसरा ये है कि ब्रांचेस धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बेशक इनका एंगल भी अच्छा है। तो लेटेस्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन तना है उसके डाया से आधे से ज़्यादा जब इन ब्रांचेस का डाया हो जाता है तो हमें ये ब्रांचेस रिप्लेस करनी होती है, ताकि उसी की जगह पर नई ब्रांचेस आए और वो वीक ब्रांचेस आए उस पर नए ढंग से स्पर फॉर्मेशन हो और हम कंटिन्यूसली फ्रूटिंग ले सकें। तो एक रिसाइकलिंग ऑफ ब्रांचेस हम चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मैं डच कट का पहले जिक्र किया था, इन ब्रांचेस को भी हम डच कट के हिसाब से रिप्लेस करते रहते हैं। तो हर साल 5-6 साल का जब आपका ट्रेनिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद जो भी ब्रांच आपकी जो भी बेसल में मोटी होती चली जाती है, तने की अपेक्षा आधे से ज़्यादा हो जाता है जिसका डायमीटर, उनको रिप्लेस हर साल एक दो ब्रांच हम रिप्लेस करते रहते हैं और उसकी जगह नई ब्रांच इस तरह से आती है, और उसी को भी ऐसे ही जैसे नई ब्रांच को आप पहले ट्रेड करते हो वैसे ही करते हो। तो डच कट के माध्यम से इसको ऐसे करके हम चला करके कैंची काट देते हैं और वहाँ से जो नई ब्रांच आती है उसको पहले क्लॉथ पिन के साथ और बाद में बांध करके उसी ढंग से ट्रेड करते चलते। इस तरह से रिसाइकलिंग करते करते उसी सिस्टम को हम बार बार नई शाखाएं डेवलप करते रहते हैं और फ्रूटिंग ब्रांचेज डेवलप करते रहते हैं और उससे फ्रूटिंग लेते रहते हैं। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि भाई अच्छी तरह से एरेशन हो सकती है प्लांट के अंदरूनी भाग तक, पूरी सनलाइट अंदर तक आती है, तो जहाँ पे भी फ्रूट लगेगा, इवन अगर यहाँ पे भी मेन तने पे भी फ्रूट आता है तो हमारे पास उसको पूरी लाइट मिलती है, पूरा अच्छी तरह से कलर आता है और प्रोडक्टिविटी अच्छी मेंटेन हो सकती है। तो इस ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर अगर आप हमारे इस बगीचे को देख रहे हो तो हम 42 मेट्रिक टन के आसपास पर हेक्टेयर की इस वक्त प्रोडक्टिविटी इस ऑर्चर्ड से ले रहे हैं। वैसे कंपैरिजन के लिए हमने इसके साथ ही दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम भी लगा रखे हैं, मॉडिफाइड सेंट्रल एडी सिस्टम, लेकिन उसमें अंदरूनी भाग तक, अभी मैं इसके बाद आपको देख पा पाऊंगा वो पेड़, तो आप देख पाएंगे कि अंदरूनी भाग तक अगर लाइट नहीं पहुंचती है तो अंदरूनी भागों में शेड की वजह से अच्छा कलर और अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें नहीं मिल पाती है। थैंक यू। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा था ट्रेनिंग सिस्टम्स को लेकर के, कि कन्वेंशनल सिस्टम में भी जो पौधे मॉडिफाइड सेंट्रल लेडो सिस्टम से हम ट्रेन करते हैं उसमें किस तरह से, जो हमने सिस्टम डिस्कस किया है अभी टॉल स्पिंडल सिस्टम किस तरह से है, तो मॉडिफाइड सेंट्रल लेडो सिस्टम में हमारा जो ब्रांचेज हम लेते हैं वो 45 से 60 डिग्री के एंगल पे, वो स्ट्रेट नहीं आती है यहाँ से। इस तरह की अगर ब्रांचेज रहती है तो उसमें क्या ड्रॉबैक रहता है कि एक तो स्पर फॉर्मेशन कम होती है। इसमें देखिए ये बाहर वाली ब्रांच है, यहाँ स्पर फॉर्मेशन है लेकिन ये पूरी ब्रांच पे स्पर फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा क्या है, इसके अंदर की जो ब्रांचेज है ये जब पत्ते वगैरह आ जाते हैं या इस ब्रांच पे अंदर जो स्पर फॉर्मेशन है किसी भी उस पर, उस तक धूप नहीं जा पाती है,
उसमें मैंने दिखाया था आपको लाइट अंदरूनी हिस्से तक, मेन स्टेम में भी अगर स्पर फॉर्मेशन है तो उस पर भी जो है, लेकिन यहाँ पर ये स्पर बना हुआ देखो अंदरूनी भाग में, लेकिन इस तक लाइट नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ जो फ्रूट बल्ब होगा ना तो उसमें कलरेशन अच्छी होगी ना उसका साइज वगैरह बढ़ पाएगा। अब स्पेस पल्स है इस तरह से, तो ये चीज़ें हैं कि जब हमारे अंदर के हिस्से तक पेड़ में ब्रांचेस झुकाने का मतलब ये, अगर ये भी हमारी ब्रांच ऐसे झुकी होती है ऐसे झुकी होती तो शायद लाइट वहाँ तक पहुँच पाती, इसीलिए ट्रेनिंग सिस्टम। और लेटर स्टेज में हम इन ब्रांचेस को झुकाएं भी बांधें भी तो इतना नहीं हो पाता, तो शुरू में ही ट्रेनिंग आपकी पौधा लगने से लेकर के इनिशियली 3-4 सालों में हम पूरा स्ट्रक्चर अगर तैयार कर देते हैं तो लेटर स्टेज में हमें एक तो ये है कि अब इसमें जैसे हम प्रूनिंग करेंगे तो बहुत सारी हमें वुड निकालनी पड़ती है, काट छांट बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारी ब्रांचेस काटनी पड़ती है ये, लेकिन जो मैंने सिस्टम पहले आपसे डिस्कस किया वहाँ काटने के लिए बहुत कम ब्रांचेस मिलती है, तो हम लकड़ी नहीं तैयार कर रहे होते हैं, फल तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये है कि फल कम और लकड़ी ज़्यादा, हमें काट छांट में बहुत सारी ब्रांचेस निकालनी होती है, ये आप देख सकते हैं ये सब निकालने वाली ब्रांचेस रह जाती है। बात करते हैं प्रूनिंग की, होता गया जैसे हमने ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, ये ब्रांचेस हमने सेलेक्ट की थी, इनको बांध करके ट्रेन कर दिया है, उसके बावजूद भी उस जो हमने सबसे निचली शाखा छांटी थी उसे नीचे से कई बार ये ब्रांचेज आ जाती है, लगभग 75 सेंटीमीटर तक यानी कि 2.5 फीट तक हमें कोई ब्रांच रखनी नहीं होती है, उसे से नीचे से अगर ये ब्रांचेज आती है या तो आप शुरू में ही जैसे ही वो ब्रांच निकली तुरंत उसको निकाल सकते हैं, वरना अभी जो विंटर्स में हम प्रूनिंग करते हैं उसमें उसको सबको सारी ब्रांचेज यहाँ से निकाल देते हैं ताकि ये दोबारा ना निकले, इस तरह से ये सारी ब्रांचेस निकाल देते हैं, पहला तो ये काम करते हैं। उसके बाद जैसे बात करते हैं अपराइट ब्रांचेज आती हैं, अब इनमें से बहुत नज़दीक जो ब्रांचेज हैं या स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज उनको निकाल देते हैं, ये ब्रांच है स्ट्रेट अपराइट है स्ट्रॉन्ग है इसको निकाल दिया, ये अलग तरह से अगर हम चाहते हैं इसकी भी ग्रोथ ज़्यादा है इसको स्पर में डाल सकते हैं तो इस तरह से छोटी कर सकते हैं ब्रांचेज को, अब ये फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ऐसे इसमें इसको निकाल सकते हैं, इस पर आपने रख दिया तब ये इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसको भी इस तरह से शॉर्ट करके ऐसे हम रख सकते हैं ताकि लाइट भी आती रहे और ये एक दूसरी से बराबर दूरी पर भी रहे, ऐसी जो अपराइट हैं सब छोटे स्पर्स पे डाल देंगे, इस तरह से कर सकते हैं सभी को, ये है इनको निकाल दिया, यहाँ दो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाली को हमने निकालना वीक वाली को रखना है, ये है इसको आप छोड़ सकते हैं, ये है और जहाँ आपके आगे डबल डबल है आपको एक पे रखना है और इसको आप स्पर पे यहाँ इस तरह से छांट कर सकते हैं ब्रांचेस की। दूसरा है इनके अलावा कि कौन सी ब्रांचेस हमको निकालनी है, हेडिंग बैग का हमारे पास हम इसमें बहुत कम उपयोग करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी ब्रांचेस जो अनडिज़ायर्ड है उनको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब है कई बार किसी शाखा को फल तोड़ते हुए या ट्रेन करते हुए टूट फूट हुई है तो वहाँ जब उसको काटना है उसका हमने ध्यान रखना है कि आँख बाहर की तरफ को हो और इस तरह से कट लगाया जाए कि ये यहाँ से निकले और आगे हम उसके बाद इसको बांध देंगे इस तरह से ताकि ये भी उसी कट के साथ और डिज़ायर्ड पोजीशन पे है, और अगर गलत पोजीशन पे है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ ये ब्रांच बंधी थी, लीडर हमारा ये बन जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ये लीडर रखना है और इस पर नोचिंग के अलावा जब तक ये टॉप तक नहीं पहुँचती है हम इस तरह से ब्रांचेस डेवलप कर लेंगे। तो कहीं पर भी शाखा हो या टॉप हो आपको दो ब्रांचेज एक साथ नहीं रखनी, जैसे आप इस पे देख सकते हैं यहाँ ये दो ब्रांचेज एक साथ दो लीडर्स हैं, तो एट ए टाइम हमको एक ही लीडर रखना होता है, दो दो लीडर्स हमको नहीं रखने हैं, तो ये एक है इसको हेड बैक नहीं करना है और इस पे यहाँ से हमने अगर ब्रांचेज लेनी है एक दो तो वो नोचिंग से आप कर सकते हैं और बाकी ट्रेनिंग का वही सिस्टम कंटिन्यू रहता है, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग साइमल्टेनियसली चली जाती है जब तक कि पौधे का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो जाए, और उसके बाद फिर जो हम काट छांट रेगुलरली हर साल करते हैं वो आपका प्रूनिंग का हिस्सा है। और हाई डेंसिटी में हम समर और विंटर दोनों प्रूनिंग करते हैं, समर प्रूनिंग से ग्रोथ चेक करते हैं, विंटर प्रूनिंग में हेड बैक करते हैं, तो हम ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं जहाँ वहाँ हेडिंग बैक की जरूरत पड़ती है, और ग्रोथ को चेक करना चाहते हैं तो हेडिंग बैक नहीं करते हैं, सिर्फ थिनिंग आउट करते हैं यानी कि जो शाखा ठीक जगह पर नहीं है उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये जो भी उलझी हुई ब्रांचेज है इस तरह से उनको सबको निकाल देते हैं। अब हम प्रूनिंग करते हैं तो किसी भी ब्रांच को स्पेशली जब वो ब्रांचेस शाखाएं मोटी होती हैं उनको जब काटते हैं, जैसे ये हमने कट मारे हैं, तो इन कट पे
फंगल इन्फेक्शन ना आए, कैंकर जैसी गंभीर बीमारी इस पर ना पनप पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनको हम किसी पेस्ट से ढक दें। पेस्ट आपका कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से बनाया जा सकता है, मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं। चौबटिया पेस्ट आता है और कॉपर ऑक्साइड का पेस्ट आप बना सकते हैं, उसको इस पर लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि प्रूनिंग के बाद और फल तोड़ने के बाद, ताकि इस तरह की कहीं भी जो छोटी बारीक टहनियों भी काट छांट हुई है या पेड़ से फलों को तोड़ते हुए इस पर टूट गए हैं, शाखा में कहीं डैमेज हुआ है, वहाँ पर बीमारी ना पनप पाए, तो प्रूनिंग के बाद और हार्वेस्टिंग के बाद दोनों बार दो स्प्रे में कम से कम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की अवश्य करें। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड में जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, इस तरह की जो दवाइयाँ आती है उनका आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे नामों से बाजार में उपलब्ध है।